हेलो गाइस, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। वैद्य जी अहिल्या से बोलते हैं कि छोटी रानी, ये बहुत ही घातक गुटी का मिश्रण है, इसके ज्यादा सेवन से जान भी जा सकती है। और यह सुनकर अहिल्या को बहुत गुस्सा आता है और अहिल्या डंडे से उसको खूब मारती है और बोलते है कि बताओ ऐसा क्यों किया तुमने, और बताओ ये सब किसके कहने पर किया। तो नीमा बोलता है कि रुकिए छोटी रानी, मैं बताता हूँ। और तभी अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है, तो जैसे अहिल्या बाहर देखने लगती है तभी नीमा जी वहां से भाग जाता है। और तभी अहिल्या और बाकी सभी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है गुनू जी उन दो सैनिकों के पास आते हैं जिनको गुनू ने खंजर से मार दिया होता है। और तभी गुनू जी बोलते हैं कि माफ करना, ना ही तो तुम्हारी कोई गलती थी और ना ही तुम दोनों से कोई दुश्मनी, लेकिन हमें अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी पड़ी, हो सके तो हमें माफ कर देना। और इसके बाद दिखाया जाता है खंडरा और रमजानी से बोलते हैं कि आज हम आपकी अदा और आपके हुनर के कायल हो गए। और तभी रमजानी सोचती है कि पता नहीं छोटी रानी अपने मनसूबे में कामयाब हुई होगी या नहीं। तभी खंडरा बोलते हैं कि जब आपकी कोई तारीफ कर रहा हो तो आप उस पर ध्यान ना दो, ये अपमान माना जाता है। हम ये आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है। तो रमजानी बोलते हैं कि नहीं छोटे सरकार, ऐसी गुस्ताखी करने की हमें हिम्मत नहीं है, ऐसी गुस्ताखी करने का हम ख्वाबों में नहीं सोच सकते। तो खंडरा बोलते हैं कि फिर इस रवैये का क्या मतलब। तो रमजानी बोलते हैं कि हमें छोटी रानी ने यह महफिल सजाने के लिए कहा था। बात यह है कि छोटी रानी ने हमें नीमा जी को रोकने के लिए कहा था, लेकिन हमारा ध्यान चूक गया और नीमा जी महफिल छोड़कर चले गए। तभी खंडरा सोचते हैं कि ये नीमा जी का क्या मामला है और अहिल्या ने नीमा जी को रोकने के लिए क्यों कहा। और तभी खंडरा रमजानी से बोलते हैं कि हम चलते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है नीमा जी भाग रहा होता है और तभी अहिल्या उसका पीछा कर रही होती है। और तभी अहिल्या के पास खंडरा आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ है, क्या किया है नीमा जी ने। तो अहिल्या बोलते हैं कि छोटे सरदार जी वो भाग जाएगा। तो खंडरा बोलते हैं कि लेकिन नीमा जी ने किया क्या है। तो अहिल्या बोलते हैं कि उसकी असलियत सामने आ गई है, वो इतने दिनों से आपको गुट्टी में कुछ मिलाकर खिला रहा था और वो ये सब किसके कहने पर कर रहा था वो हमें बताने वाला था, लेकिन तभी वो भाग गया, हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना होगा। तो खंडरा बोलते हैं कि आओ अहिल्या हमारे साथ। और इसके बाद दिखाया जाता है नीमा जी भाग रहा होता है, लेकिन तभी खंडरा खंजर से उसके पैर पर वार करते हैं तो नीमा जी नीचे गिर जाता है। तो खंडरा उससे बोलते हैं कि भाग क्यों रहे थे नीमा जी, और इसका मतलब अहिल्या सच कह रही है, तुम हमारी गुट्टी में कुछ मिला रहे थे। तभी अहिल्या बोलते हैं कि बताओ नीमा जी ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे थे, लेकिन नीमा जी कुछ नहीं बोलता। तो अहिल्या बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं बताएगा, इससे तो सच उगलवाना पड़ेगा। और यह देखकर गुनू सोचते हैं कि ये खंडराव कहां से आ गया, कहीं खंडराव के दबाव में आकर नीमा जी हमारा नाम ना ले दे। और तभी दिखाया जाता है अहिल्या नीमा जी की गर्दन पर खंजर रख देती है और बोलते हैं कि नाम बताओ उसका, लेकिन नीमा जी कुछ नहीं बोलता। तो खंडरा बोलते हैं कि अहिल्या इसे हम देखते हैं। और तभी खंडरा उसको खूब मारते हैं, लेकिन फिर भी नीमा जी गुनू जी का नाम नहीं लेता। और तभी गुनू जी खंडरा पर तीर से वार करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक खंडरा को चक्कर आने लगते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और इसी का फायदा उठाकर नीमा जी वहां से भाग जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है द्वारका बाई बहुत गुस्से में होती है, लेकिन तभी वहां पर सीता बाई आती है और बोलते हैं कि आई साहब हुआ क्या है। तो द्वारका बाई बोलते हैं कि इसी सवाल का जवाब चाहते हैं हम, जब हम दूसरों से हारते हैं ना तो बात समझ में आती है, आज का दिन इतना बुरा है कि हम खुद से ही हार रहे हैं। और तभी यहाँ पर गुनू जी आते हैं और सीता से बोलते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, हमें अपने घर के लिए निकलना चाहिए, हमने पालकी तैयार करवा ली है, तुम निकलने की तैयारी करो। तो सीता भाई बोलते हैं कि अभी क्यों, सुबह निकलते हैं ना। तो गुनू जी बोलते हैं कि निकलने की तैयारी करो। तो सीता भाई वहां से चली जाती है। और तभी द्वारका भाई गुनू जी से बोलते हैं कि क्या हुआ। तो गुनू जी बोलते हैं कि नीमा जी भागने में कामयाब हो गए। तो द्वारका भाई बोलते हैं कि चलो ये चाल तो हम हार गए, लेकिन हमारे खेल का राज खुलने से बच गया, और जावेद साहब नीमा जी से कहिए कि वो मालवा छोड़कर चले जाएं, लेकिन अहिल्या और बड़े सरकार उसे छोड़ेंगे नहीं। तो गुनी बोलते हैं कि उन्हें सही जगह पर भिजवा दिया गया है, आप बेफिक्र रहिए। और सासू भाई आपने एक बात पर ध्यान दिया, अहिल्या ने यह जो षड्यंत्र रचा है इसकी हमें बनक तक नहीं लगने दी। आपको क्या लगता है कि रमजानी अहिल्या के साथ मिली हुई है, क्योंकि यह चक्रव्यूह तो अहिल्या ने रमजानी के साथ मिलकर ही रचा था। हमें अपनी अगली चाल बहुत ही सोच समझकर चलनी होगी, हमें बहुत ही चुकन्ना रहना होगा। और इसके बाद दिखाया जाता है वैद्य जी खंडरा को दबा देते हैं और बोलते हैं कि अब सब ठीक है। और वैद्य जी मल्लारा से बोलते हैं कि इन्हें संपूर्ण आराम की जरूरत है। तो मल्लारा बोलते हैं कि स्थिति ज्यादा गंभीर तो नहीं है। तो वैद्य जी बोलते हैं कि जी स्थिति गंभीर है पर नियंत्रण में है, बात यह है कि इनकी बीमारी का कारण अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इससे इनका इलाज भी नहीं हो रहा था, पर अब समझ में आ गया कि इनको नशीली दवाइयां दी जा रही थी, जल्द से जल्द उन नशीली दवाइयों का असर कम करने की कोशिश करेंगे। परंतु नशीली दवाइयों का कुछ बुरा असर होता है, इन्हें रोज नशीली दवाइयों का सेवन करवाया जाता था जिनकी वजह से इनके शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, एक तरह का खोखलापन आया है। अब अचानक से वो दवा बंद होगी तो तरह तरह के असर दिखेंगे, क्योंकि इनके शरीर को उन दवाइयों की आदत पड़ चुकी है। रहते रहते मन विचलित होगा, क्रोध आएगा, रोना भी आ सकता है। अचानक ऐसे लगेगा कि इनके शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, और इसके लिए वाड़े के सभी लोगों को तैयार रहना होगा। और इसके बाद वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। और तभी अहिल्या खंडराव से बोलते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, ये सब कुछ नहीं है आपके लिए, मुझे पूरा यकीन है इससे आप बहुत ही जल्दी उभर जाएंगे। और तभी मल्लारा खंडराव से बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब मिलकर लड़ेंगे, इससे धैर्य रखो तुम। और इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, पार्वती बाई अपने मायके से वापिस आती है, और तभी अहिल्या पार्वती को रमजानी से मिलवाती है। और तभी वहां पर मुक्ता भागते हुए आती है और बोलते हैं कि जल्दी चली आई साहब, वहां पर बाबा साहब।
और इतना सुनते ही अहिल्या और पार्वती उनके पास जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा मल्लारा गंगवा से बोलते हैं कि अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दीजिए, वो जो कोई भी है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या गौतमावे से बोलती है कि वो जो कोई भी है वो मेरे हाथ से मृत्युदंड जरूर पाएगा। और तभी द्वारका भाई ये बात सुन लेती है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इस तरह के अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।